हमारा एक कट गया है परवल कुछ इस तरीके से, लेकिन ये जो काटे ना इसी में डला गया है। अब इसको छाटना कर पड़ेगा, है नहीं? अब इसको भूंजेंगे बढ़िया से, फ्राई करेंगे, ठीक है? तो इसमें थोड़ा तेल डालना है, फिर इसमें जीरा, ये थोड़ा, ये थोड़ा जब वो हो जाएगा, थोड़ा पीला, थोड़ा सा ब्लैक टाइप का हो जाएगा, इसके बाद मिर्च डालना है इसमें, अदरक, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर हम डालेंगे नहीं, हमारे खाना नहीं है आज, इसलिए ठीक है, आज व्रत है, ठीक है। और ये इस तरीके से मतलब काटना है अच्छे से, फ्रेश करके धो के, ठीक है। जब ये थोड़ा सा प्याज क्या बोलते हैं, सॉरी, ये मिर्च हो जाएगा और ये हो जाएगा, मतलब ये बैचलर वाला है, बैचलर लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सीधा यहाँ से उठाना है और इसको बढ़िया से तेल पर ना डाल देना है बढ़िया से, और करछी लेना है, इसको क्या बोलते हैं, छोलनी, ये वाला, और इसको चला देना है, ठीक है, धीमे धीमे आँच पे, धीमे आँच पे इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ढक के। जब थोड़ा सा लाल पीला टाइप का हो जाएगा, इसमें नमक डाल देना है स्वाद अनुसार, ठीक है। जब नमक हम डाल दिए हैं, और इसके बाद फिर से चला देना है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ढक देंगे, बस 2 मिनट में तैयार हो जाएगा अभी, बस